ये बोतल क्यों इतना है, और कुछ बोतल खाली है, कुछ बोतल भरा हुआ है, इसका क्या सीन है? कोई ना कोई बहाना से या कुछ न कुछ होते रहता है, कहीं भी कुछ दिख रहा है। इसका अंत कब होगा अभी कोई पता नहीं है, कब दहाड़ आ रहा है, कब क्या रहा कोई पता नहीं है। अपने भाइयों, मैं यात्री बाबा ऑल इंडिया साइकिल राइडर, अभी फिलहाल मैं हूँ लेह लद्दाख वाला जो मनाली वाला हाईवे, उसी हाईवे पे हूँ, और अभी एक ऐसे लोकेशन पे मैं आ गया हूँ, अगर आप भी इसके बारे में अगर जानोगे ना, तो बहुत ही बहुत मतलब दर्दनाक सीन इनके साथ हुआ था। वो क्या हुआ था और क्यों हुआ था और कैसे हुआ था और वो है क्या चीज, इन सारी चीजों को अभी मैं बात करने वाला हूँ। बस आप 2 मिनट मेरे लिए वेट कीजिए, सारी चीज बात करने वाला। फिलहाल सबसे पहले व्यू आप लोग देख सकते हैं, क्या सीन है भाई, ये देख लो, दर्दनाक सीन के अंदर इतना देख रहा हूँ, अभी कहीं भी कुछ दिख रहा है। ये पहाड़ न जाने कितने पहाड़ों, और इधर से न जाने कितने पहाड़ों पार करके ये लोग मतलब आए थे यहाँ पे, और ये सीन क्रिएट यहाँ पे हुआ था। तो चलो आप लोग को डायरेक्ट वहाँ पे लेके जाकर आप लोग को दिखाते हैं। यार आप जानोगे ना तो आपके आँख से आंसू गिर जाएगा यार, और जो भी ट्रेवलर लोग हैं ना उसको तो ये वाली चीज जानना बहुत ही जरूरी है। मैं बिहार से आया हूँ, बिहार टू लेह लद्दाख ट्रिप से, पहले ये वाली खाली बोतल देख सकते हो, उसके बाद अभी और मेन चीज पे लेके चलता हूँ, बस चलो अभी चलते रहो। और ये देखो यहाँ पे क्या चीज है भाई, ये बोतल यहाँ पे क्यों इतना भरा हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे ये बोतल क्यों इतना है, और कुछ बोतल खाली है, कुछ बोतल भरा हुआ है, इसका क्या सीन है? और वहाँ पे देखो कुछ बना हुआ है, मंदिर टाइप का कुछ बना हुआ है, ये सब का क्या सीन है? अभी आप लोग को बताने वाले हैं, ये हमारे बड़े भाई बताने वाले हैं, उसके बाद मैं विस्तार बनाऊंगा। मनोज भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, बड़े। अच्छा ये बताइए यहाँ के बारे में कुछ, मतलब बताइए कुछ डिटेल। भाई बहुत अच्छा है यहाँ पे, अच्छा थोड़ा यहाँ पे ड्राइवर और एक कनेक्टर ट्रैक्टर चलाते थे, हाँ, और यहाँ पे वो गाड़ी बैक हो गई थी पीछे, हाँ, और उसकी मौत हो गई थी। अच्छा यहाँ पे मौत हो गई थी, और पानी मांग रहा था, वो पानी नहीं दे रहे थे कोई भी। अच्छा पानी था नहीं कि क्या प्रॉब्लम थी वो पता नहीं है। अच्छा ये सीन हुआ था ना, ऐसा हो गया तभी से यहाँ पे बोतल वगैरह ना हो जाता, तभी इसका यही कुछ किया क्योंकि तंग करता था ना वो गाड़ी वाले को। अच्छा अरे धन्यवाद, ये तो हमारे मनोज भैया भी बताएं पूरा डिटेल, मैं भी आप लोग को बताता हूँ ये क्या एक्चुअली सीन था। सीन ये था कि एक पानी के प्यास मतलब पानी मांग रहा था उसका बंदा, वो बंदा पानी मांग रहा था, उनको मतलब प्यास लगी हुई थी बड़ी जोर से, तो वो पानी मांग रहा था, बट पानी वहाँ पे कोई ला के उनको दिया नहीं, जिसके कारण से उनका प्राण यहाँ से छूट गया। और उसी दिन से यहाँ पे सबसे इसका बोतल का क्या रीजन है वो मैं भी बताता हूँ। जब पानी वो मांगा, जब पानी कोई नहीं दिया ना, उसके बाद यहाँ तो उनका दम टूट गया इसी जगह पे, बट बहुत दिनों के बाद मतलब बहुत टैंकर वाले को तंग करता था वो टैंक करता ना, तो मतलब जो भी गाड़ी वाले टैंकर वाले यूज इस एरिया से पार होता था ना, उनको वो तंग करता था ना, कुछ गाड़ी के अंदर बैठ जाते थे, गाड़ी के अंदर बैठ जाते नहीं, प्रेत आत्मा का होता ना उस तरह का सीन यहाँ पे क्रिएट हो गया था। तो उस तरह का यहाँ पे सीन होता था, और देख रहे हो भाई यहाँ पे कोई है, अगर रात बिहार में सब गाड़ी चलता, और यहाँ दूर दूर तक ना ये लगभग 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 कितना फीट ऊंचा होगा बता दीजिए भाई, 15 लेने में मतलब सांस लेने में तो बिल्कुल दिक्कत होता है, और माथा यहाँ पे इतना दर्द होता है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर आप लाओगे इसका एक्चुअली नाम एक्चुअली है गाटा लूप्स, है ना, गाटा लूप्स इसका नाम है। आप लोग गाटा लूप्स नाम जानते हो, ज्यादा डिटेल सुनना मतलब पहचानना जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च करो गाटा लूप्स, वो सारा डिटेल दे देगा। और सीन देखो यार वहाँ पे देखो बंदा का वहाँ पे कुछ मतलब निशानी छोड़ा गया, मतलब मंदिर बना गया ना, उस बंदा को वहाँ पे मंदिर बनाया गया। और ये बोतल जो है ना, ये बोतल आप लोग देख रहे हो, ये बोतल खाली नहीं बिकता है कोई यहाँ पे, यहाँ पे कोई सा बोतल खाली नहीं रहता है, बोतल में पानी सब भर भर के ही देता है ना बड़े भैया, भर भर के देते हैं सब सब बोतल, जो भी आता है ना ट्रेवल आता है या ट्रैंकल वाला आता है या जो भी गाड़ी वाला आता है, सब बोतल भरी भी है। हाँ मतलब ये खाली बोतल क्यों है पता है, खाली बोतलें भी हो जाती है, खाली बोतल हो जाती है, बोतल यहाँ पे भर के बिकता है बट ये बोतल खाली हो जाती है। इसका रीजन क्या पता है, वो जो बंदा यहाँ पे मतलब एक्सपायर हुए थे ना, वो बंदा यहाँ का मान्यता है कि यहाँ बंदा पानी पीता है अभी भी, वो प्यासल यहाँ पे प्राण तोड़े थे तो बंदा पानी पीता है। देखो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब चीज मिलेगा, खाली बोतल यहाँ कौन बिका मेरे भाई, खाली यहाँ पानी प्यासल मरा तो खाली बोतल इसको कौन देगा, इतना आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि पानी भर के ही देता है। बट इस बंदे के लिए ये बंदा अभी भी यहाँ पे साक्षात है। अगर आप भी आते हो कभी इस सीन देखने के लिए तो गाटा लूप्स आओ और ये सारा चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये तब से बंदा ये परेशान करना छोड़ दिया ना भैया, अब नहीं करता परेशान, अब किसी को परेशान नहीं करता, जब से पानी वगैरह यहाँ पे देना स्टार्ट किया, बंदा किसी को परेशान नहीं करता। यार सोच सकते हो इस रास्ते में अगर कोई बंदा अकेले अगर यहाँ पे आएगा क्रॉस करेगा तो किस उसका दिल का धड़कन कितना तेजी हो जाएगा आप लोग को पता ही होगा, और खास करके रात में यार बहुत ही दर्दनाक होता है। अभी कोई सीन दिखाते हैं इधर, अगर देखो यार गांव प्रेत में भूत प्रेत आता है तो यार कितना खतरनाक वाला डरावना होता है। इधर देखो यार क्या खा रही है सब, देखो यार ऊपर से वो वाले पत्थर स्लाइड हो रहा है, ऊपर से गिर रहा, कोई ना कोई बहाना से यहाँ कुछ न कुछ होते रहता था। कब रे मनोज भैया, कुछ न कुछ होते रहता था ये ना? अच्छा आप इसके मतलब ये चीज कब हुआ था मतलब? सर इसको तो काफी साल हो गए, काफी दिन हो गए ना, दिन नहीं काफी साल हो गए, काफी साले बीत गए ना इसके बारे में मतलब ये बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं कि काफी साले हो चुका है, तो अपन ज्यादा लगा सकते कितना दिन? हाँ भैया 2007-08 की बात है।
2007-08 की बात है ना, 8-9-10-10-11 के बीच। तो देखते बहुत लंबी टाइम हो चुका है इस सीन को क्रिएट होने और अभी तक इसका मान्यता है। और बोतल का ढेरी देखो यहाँ पे कितना लगा हुआ यार, ये चीज देखने में देख लो कितना खतरनाक होता है। तीन ट्रक ना, अब बोतल यहाँ उठा के ले जा सकता है कोई नहीं, ना तो कचरे वाले उठा सकते ना और कोई, बोतल ही रहेगा, ये सीन होता है ना मनुष्य। तो ऐसा ही सीन आप लोगों को देखने को मिलता है, मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी बहुत ही खतरनाक खतरनाक सीन दिखाएंगे और ये पहाड़ों के बीच अभी मैं सेट कर रहा हूँ, अभी लगभग 2 घंटा और भी मैं पहाड़ों के बीच ही 2-3 घंटा रहने वाला हूँ, क्योंकि मनाली यहाँ से 250 किलोमीटर होगा, 230 किलोमीटर मनाली अभी भी यहाँ से है। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 8 है ना, 8 बज ही रहा होगा, 8 बज गए। तो चलो मजे से ब्लॉग में बने रहो, मजा आने वाला आज की ब्लॉग, आप चलते अंजाते। भाई साहब ये वाली सीन जो देख रहे हैं ये मुड़ा मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, इसको गाटा लूप्स और बाइक कंची भी कहा जाता है। बाइक कंची कहने का मतलब ये कि 22 मोड़ टर्निंग टाइप का ऐसा होता है, मतलब टर्निंग एक नहीं, वो वाली टर्निंग नहीं, एक राउंडिंग घूम के आता है उसके बाद वो एक टर्निंग कहा जाता है। ये बाइक कंची भी इसके नाम से मतलब इधर के एरिया में लोग बोलता है, हम लोग इसको गाटा लूप्स कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं 30 किलोमीटर है ना, 30 किलोमीटर देख लो कितना टर्निंग करके हो रहा है भाई, ये देखो देख रहे हो कितना टर्निंग नच नच के पूरा एकदम हो रहा है। देख तो सामने ये दो पहाड़ों के बीच एक झरना चल रही है, वो भी झरना भी गाटा लूप्स की तरह नच नच के जा रही है, अभी तो बहुत सारा नचना भी है। ये देखो झरना क्रॉस कर रहे हैं ना, अभी चलते हैं आगे और भी आगे। देखो कहीं भी कुछ दिख रहा है, कोई दुकान वगैरह यहाँ से इधर भी देख लो, इधर भी कहीं भी कोई आदमी दुकान दिख रहा है, बस दो ट्रैके चल रही है और कुछ दिख रहा है और पता नहीं इसका अंत कब होगा, अभी कोई पता नहीं है। बस अभी सामने कुछ झरना वगैरह दौरा कुछ देर के बाद मिला देखने को। तो भाई साहब देख सकते हैं फाइनली मनाली पहुंच गए, मनाली से क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे दहा दो किस तरह से आया यार, पूरा रोड को कंप्लीट खत्म, यहाँ तो कुछ खत्म हुआ है, पूरा रोड को कंप्लीट कर दिया गया, पूरा देखो कितना अंधाधुंध हुआ हो रहा है यार, जबरदस्त अंधकार मचा हुआ है, खराब हो चुका है, यहाँ रुकने का जगह नहीं, बस अब निकल रहे हैं। अब यहाँ रुकने का कोई घूमने लायक कुछ है ही नहीं मनाली में अभी फिलहाल के लिए, मनाली के लिए अब निकल जाते हैं अपना कुल्लू के लिए, मनाली घूमने लायक कुछ अभी नहीं भाई। और इस मौसम में कब दहा आ रहा है कब क्या रो कोई पता नहीं है। तो निकलते डायरेक्ट मनाली से बाहर, क्योंकि प्रशासन भी मना कर रहा है घूमने से, इसलिए आगे निकलते हैं, आगे आपसे मिलते हैं ओके। तो मनाली में क्रॉस कर रहा हूँ, ये देख सकते हो मनाली वाला हाईवे जो है ये।